नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आजकल हर एक फार्मेसी या दवाई की दुकान इनडाइजेशन या गैस की दवाइयों से भरी पड़ी है। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम सबकी फूड हैबिट्स में अनजाने में गलत फूड कॉम्बिनेशंस ने अपनी परमानेंट जगह बना ली है। और इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, वो है विरुद्ध आहार को अवॉइड करना। हमारा आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है और इसमें भोजन का भी एक इम्पोर्टेंट स्थान है। तो आज हम आयुर्वेद आरोग्य औषधि के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार किस टाइप का अन्न या फूड हमें खाना चाहिए। आयुर्वेद में एक इंसान के स्वस्थ जीवन के लिए अन्न और जल दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक नीड्स माने गए हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार के आहार आपके और हमारे लिए उचित है, इस बात की जानकारी हम में से 99% लोगों को नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद में स्वस्थ खान पान या फूड हैबिट्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बताया गया है जिसे विरुद्ध आहार कहा जाता है, यानी अवॉइडिंग ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस। अगर हम इस एक सिंपल फॉर्मूले को सही तरीके से अपना लें तो हम सब एक हेल्दी जीवन बड़ी ही आसानी से जी सकते हैं। जिस तरह एक पौष्टिक और हितकारी डाइट खाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, उसी तरह अहितकारी और अपथ्य भोजन करने से स्वास्थ्य का नाश भी होता है। कुछ फूड आइटम्स तो बाय नेचर ही हमारे त्रिदोषों में इम्बैलेंस करने वाले होते हैं, जिन्हें रोग कारक और भारी माना जाता है, और इसी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते हैं। कुछ फूड आइटम्स बाय नेचर अकेले तो बहुत गुणकारी और स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य विरोधी खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए तो ये लाभ की जगह हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण भी बनते हैं। इस प्रकार के विरुद्ध आहार का निरंतर सेवन करने से ये शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद में जैसे हमारे शरीर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वात, पित्त और कफ, ऐसे ही हमारे मन को तीन गुणों या त्रिगुणों में डिवाइड किया गया है, जो है सत्वा, राजस और तमस। ये त्रिगुण हमारे भोजन पर डिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए आयुर्वेद में हमारे भोजन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन वो भोजन है जिसके खाने के बाद हमारा दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है, उसे सात्विक कहा जाता है। ये शाकाहारी होने के साथ साथ बहुत ही सादा और साधारण प्रकार का आहार होता है, जिसका प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से किया जाता है। तेल और मसाले भी अगर नेचुरल मेथड से बनाए गए हों तो उन्हें भी सात्विक ही माना जाता है। दूध, दही, लस्सी, साग सब्जियां, शहद, मक्खन, मलाई और पनीर आदि सात्विक भोजन माने जाते हैं। राजसिक भोजन, जो भोजन व्यक्ति को स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करता है, उसे राजसिक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन या तो बहुत खट्टा, गर्म, मीठा या फिर रूखा होता है। राजसिक भोजन बहुत ही स्टिम्युलेटिंग और एक्साइटमेंट प्रोवाइड करने वाला होता है, लेकिन इस प्रकार का भोजन हमारे अंदर तनाव और बीमारियों का कारण भी बनता है। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा मसालेदार भोजन, ज्यादा नमक वाला खाना, चॉकलेट, पान आदि राजसिक भोजन के प्रकार है। तामसिक भोजन, आयुर्वेद के अनुसार खाने से 3-4 घंटे पहले बनाया गया बिना स्वाद का भोजन तामसिक कहलाता है। ऐसे खाने को तुच्छ माना जाता है। इनमें वो फूड्स आते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे भोजन का सेवन हमें मृत्यु के निकट ले जाता है और हमारे विनाश का कारण बनता है। साइंटिफिकली डिफाइन करें तो सत्वा पोटेंशियल एनर्जी, राजस काइनेटिक एनर्जी और तमस इनर्शिया होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी सत्वा हमारी सेल को अलर्ट बनाता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी राजस इसी सेल को स्टिम्युलेट करता है और एक्टिव बनाता है, और इनर्शिया या तमस इन सेल को एक्टिव या स्टेबल करता है। इसीलिए हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये तीनों गुण इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से आयुर्वेद में हमारे फूड को भी तीन गुणों में डिवाइड किया गया है। और जब हम इन अलग अलग गुणों वाले आहार को एक साथ खाते हैं तो उसको ही विरुद्ध आहार कहा जाता है, जो कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियां देता है। इस विरुद्ध आहार या ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशन से इनडाइजेशन, फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन, गैस और कॉन्स्टिपेशन होते हैं, और जब ये कंडीशन लगातार हमारी बॉडी में बनी रहती है तो ये सीरियस बीमारियों का रूप ले लेती है। जैसे कि दूध और केला साथ खाने से ये हमारे पेट की अग्नि को घटाती है और इंटेस्टिनल फ्लोरा को चेंज करती है, जिससे कि बॉडी में कई तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं, जिनसे साइनस प्रॉब्लम, कंजेशन, सर्दी, कफ, एलर्जी, हाइव्स और रैश होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है, क्योंकि हर प्रकार के फूड की डाइजेशन का टाइम
अलग अलग होता है। जैसे कि एसिडिक फूड्स को डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे, प्रोटीन्स को 12 घंटे, स्टार्च को 5 घंटे और फैट को डाइजेस्ट होने में 12 घंटे लगते हैं। इसीलिए दो अलग अलग प्रकार के फूड्स को एक साथ खाने से वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होते और रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए विरुद्ध आहार एक साथ नहीं खाना चाहिए। दो ऑपोजिट फूड्स के बीच में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि दो हेल्दी फूड्स भी जो कि ऑपोजिट गुणों वाले हैं एक साथ खाने से अनहेल्दी बन जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ विरुद्ध आहारों को जिनको कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। पहला, दूध या मिल्क। दूध को कभी भी केला, दही, लस्सी, छाछ, ग्रीन या ब्लैक टी, मांस, मछली, प्याज, कटहल, कच्ची सब्जियां, विशेष रूप से बैगन, मूली, टमाटर, कच्चे या पके फल जैसे कि तरबूज, नारंगी, नींबू, पाइनएप्पल, अंगूर, अनार, जामुन, नारियल, मसालेदार या नमकीन खाद्य पदार्थों जैसे कि नमक, अचार, तेल, मूंगफली, मूंग दाल और बासमती चावल के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। कुल्थी दाल आदि के साथ भी कभी भी दूध को नहीं खाना चाहिए। दूध अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है और किसी दूसरे फूड के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये एक प्रोटीन है जो हमें एनिमल से मिलता है। दूध को हमेशा उबलने तक गर्म करें। दूध को लंबे समय तक गर्म करने से उसके सभी एंजाइम्स और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन डिफिकल्ट हो जाता है। प्याज और दूध एक साथ त्वचा की समस्याओं जैसे कि सोरायसिस और एक्जिमा का कारण बनते हैं। उड़द दाल। उड़द दाल को कभी भी दही के साथ ना खाएं। विशेष रूप से दही वड़े से बचा जाना चाहिए। मूली, तरबूज आदि के साथ भी उड़द दाल कभी नहीं खाना चाहिए। उड़द दाल को किसी और दाल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल को राजा के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा अकेले ही खाना चाहिए। बेहतर है कि दही वड़े को मूंग दाल के साथ बनाएं, ना कि उड़द दाल के साथ। इस बात को टेस्ट करने के लिए आप अपना बीपी चेक करें और फिर उड़द दाल के दही वड़े खाने के बाद फिर से चेक करें। इसके खाने से आपका बीपी 25-30% तक बढ़ जाएगा। घी या इंडियन क्लारिफाइड बटर। घी को कभी भी शहद के साथ ना लें। शहद को कभी गर्म ना करें या पकाए नहीं, यह जहरीला हो जाता है। घी और शहद को कभी भी सेम क्वांटिटी में ना मिलाएं। यदि जरूरी हो तो 20:80 रेशियो में मिलाएं या उससे कम, जैसा कि च्यवनप्राश के मामले में होता है। तांबे के बर्तन में घी कभी भी ना रखें, क्योंकि इससे घी जहरीला हो जाता है। दही। दही को कभी भी उड़द दाल, दूध, खीर, पनीर, तरबूज या खट्टे फल या मूली आदि के साथ ना खाएं। रात के समय दही कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पचाने में डिफिकल्ट होता है और इनडाइजेशन का कारण बनता है। ये कफ, खांसी, जुकाम और लो बॉडी टेम्परेचर का कारण बनता है। दही को कभी भी किसी गर्म पदार्थ के साथ ना मिलाएं। खाना ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। दही को पकाने से बचें, क्योंकि ये उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। चावल। चावल को कभी भी सिरका या विनेगर या अचार के सिरके के साथ ना खाएं। मक्की या कॉर्न। मक्की को कभी भी खजूर, किशमिश या केले के साथ ना खाएं। नींबू। नींबू को कभी भी दूध, दही, इमली, सिरका, सलाद जैसे कि टमाटर, खीरा के साथ ना खाएं। एक समय में केवल एक प्रकार का ही खट्टा भोजन करें। अंकुर या स्प्राउट्स। अंकुरित अनाज को पकाए हुए भोजन, रोटी आदि के साथ कभी भी ना खाएं। स्प्राउट्स को कभी भी गर्म या पकाए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और गैस या एसिडिटी आदि होते हैं। दोपहर के पहले ही अंकुरित अनाज खाएं। खीरा या कुकुम्बर। खीरा या कुकुम्बर को कभी भी टमाटर के साथ ना खाएं। सलाद के रूप में दोनों को कभी भी एक साथ ना खाएं, क्योंकि इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भोजन के बाद या भोजन के साथ सलाद कभी ना खाएं, क्योंकि ये पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। भोजन से पहले ही सलाद खाएं। इसके अलावा रात के समय सलाद कभी ना खाएं। मांस मछली। मांस मछली को कभी भी दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, आलू, तिल का तेल, मैदा आदि के साथ ना खाएं। गर्म पेय पदार्थ या हॉट बेवरेजेस। गर्म पेय पदार्थ को कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, खट्टे फल या तरबूज आदि के साथ ना खाएं। ठंडे खाद्य पदार्थ या कोल्ड फूड्स। खाने से तुरंत पहले या बाद में ठंडे खाद्य पदार्थों या आइसक्रीम खाने से बचें। सलाद। सलाद में नींबू मिलाने से बचें। सलाद को पचाने में मदद करने के लिए एवोकाडो, ऑलिव ऑयल या कोई और फैट ऐड करें। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल को कभी भी नट्स जैसे कि
बादाम और अखरोट के साथ ना खाएं। ब्रेड या मैदा, ब्रेड या मैदा को कभी भी जाम या फ्रूट सलाद के साथ ना खाएं। फ्रूट्स, रात के समय फल खाने से बचें, क्योंकि ये पचता नहीं है, जिससे वजन बढ़ता है और एसिडिटी भी होती है। सुबह में फल खाने से हमें डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। फ्रूट्स को स्नैक्स या नाश्ते के जैसे दो मील्स के बीच में खाया जा सकता है, लेकिन उनके बीच में कम से कम एक घंटे का अंतर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज आयुर्वेद आरोग्य औषधि के इस एपिसोड में हम आपको इस विरुद्ध आहार के साइंस को सरल शब्दों में, यानी इसका एक बहुत ही सिंपल और इजी टू फॉलो करने वाला प्लान बताते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान है आपको याद रखने और फॉलो करने में। दोस्तों, एज अ थंब रूल और डेली हैबिट, इस सिंपल नियम को खाते वक्त हमेशा ध्यान में रखें। इन सब प्रकार के आहार के बीच में कम से कम 45 मिनट से एक घंटे का अंतर रखें। पहला, लिक्विड फूड्स के साथ सॉलिड फूड्स खाने से बचें। दूसरा, खट्टे खाद्य पदार्थों के साथ मीठा खाने से बचें। तीसरा, सब्जियों के साथ फल खाने से बचें। चौथा, कोल्ड फूड्स के साथ हॉट फूड्स खाने से बचें। पांचवा, किसी भी दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के साथ दूध या दूध के उत्पादों को खाने से बचें। छठा, सब्जियों के साथ मांस खाने से बचें। और इसके साथ साथ कुछ और बातों का भी अगर हम ध्यान रखें तो हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। पहला, भोजन से पहले फल खाएं और सूर्यास्त के बाद फल कभी न खाएं। दूसरा, किसी भी भोजन या भोजन से पहले सलाद खाएं, एक साथ ककड़ी और टमाटर का सलाद न खाएं। तीसरा, सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां खाएं। चौथा, दूध को किसी भी फल के साथ, खास करके खट्टे फल के साथ ना खाएं। पांचवा, जूस पीने की तुलना में पूरा फल ही खाएं, क्योंकि जूस फल के मुकाबले डाइट्री फाइबर्स और कुछ विटामिन और मिनरल्स लूज कर देता है। छठा, फलों को काटकर स्टोर ना करें, 20 मिनट के अंदर ही इन्हें खा लें, क्योंकि ये बाद में एसिडिक होने लगते हैं। सातवां, पानी या जूस जब भी पिए घूंट घूंट करके ही पिए, क्योंकि इससे पेट में टाइलिन, जो कि एक सलाइवरी एंजाइम है, की मात्रा बढ़ती है, जो डाइजेशन में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आयुर्वेद के बारे में और कौन कौन सी बातें सीखनी है। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।